मंडी थाना क्षेत्र में अजीम कॉलोनी में ये मृतक रहता था। इसने मैजबी नाम की महिला के साथ इसका दूसरा विवाह हुआ था। महिला का दूसरा विवाह था, पुरुष का पहला विवाह था, मृतक का पहला विवाह था। परंतु महजबी नाम की जो महिला है, इसके मोहतरम नाम के व्यक्ति के साथ पूर्व से ही इलिसिट रिलेशन चले आ रहे थे। उसके चलते मृतक के साथ में इससे पूर्व में भी उसने उसको मर्डर करने का प्रयास किया, जहर देकर के मारने का प्रयास किया, परंतु किसी तरीके से व्यक्ति बच के चला आया और इनमें पैचअप हो गया। यह घटना 19-10 की है। 19-10 पे महिला ने अपने लवर के साथ मिलकर के, मोहतरम के साथ मिलकर के, एक ऑटो के माध्यम से ये इसको खाने में कुछ नशीला पदार्थ दे करके पीरान कलियर लेके गए। वहाँ पर गंग नहर में, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया, उसके हाथ पीछे बांध करके, क्योंकि वो ऑलरेडी नशे में था, उसको पानी में फेंक दिया और उसके बाद ये लोग वापस लौट आए। इसमें SHO मंडी और CO सिटी फर्स्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस केस को प्रूव करके जब ये मुलजिमा को पकड़ा गया तो इसके द्वारा सारी सच्चाई उली गई। उसके आधार पर यद्यपि गंगा नहर में ट्रेस किया गया है, उस समय काल के दौरान में जो बॉडीज उसमें मिली हों, जिनका पंचनामा पोस्टमार्टम किया गया हो, उनमें से कोई मृतक से मिलान करती है अथवा नहीं। एक अभी संज्ञान में आया है कि एक वस्त्र जो रखे हुए हैं वहाँ पर, जिसका पोस्टमार्टम होने के बाद क्रिमिशन हो गया है, उसकी मृतक के पिता ने पहचान करी है। उसको हम एविडेंस के रूप में ले रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन के लिए और जेनेटिक मैचिंग के लिए भेजेंगे, परंतु अभी डेड बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। अलबत्ता दोनों मुलजिमान ने घटना कारित करना स्वीकार किया है और सबसे महत्वपूर्ण आई विटनेस जो कि ऑटो ड्राइवर है, उसके द्वारा बताया गया कि 800 रुपीज़ में इन्होंने द्वारा ये किराए पर ले जा करके उसको वहाँ पर फेंका गया। उसको ये बताया गया ऑटो ड्राइवर को कि ये व्यक्ति मृतक जो है अन्य किसी रिश्तेदार के साथ चला गया है। तो उससे जो बातचीत की गई, उससे भी इस बात को पुख्ता सबूत मिले हैं कि गंगा नहर में इनके द्वारा उसको फेंक दिया गया। अभी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं, डेड बॉडी को रिकवर